नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और अलीगढ़ से मैं चमन शर्मा। आज हम लेके आए हैं, दीपावली नजदीक है परंतु वीडियो दीपावली के बारे में नहीं है। ये वीडियो है उससे पहले पड़ने वाले सुहागिनों के प्रमुख त्योहार यानी कि करवा चौथ से संबंधित। करवा चौथ से संबंधित कई भ्रांतियों को दूर करेंगे और करवा चौथ से संबंधित कई जानकारी देने के लिए हमारे बीच में है अलीगढ़ के प्रसिद्ध ज्योतिराचार्य पंडित हृदय रंजन शर्मा। तो पंडित जी, आपका स्वागत है अमर उजाला डॉट कॉम में। तो पंडित जी, सबसे पहले जो एक क्वेश्चन होता है, ये जो त्योहार है करवा चौथ, तो ये किस दिन किस तारीख को? देखो, मैं आपको बता दूं, 20 अक्टूबर दिन रविवार को ही करवा चौथ का व्रत पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाएगा। आप जानते हैं, यह है त्योहार भारतीय हिंदू शास्त्र में यानी सनातनी हिंदू शास्त्र में महिलाओं के लिए एक विशेष त्योहार है, जिसमें माताएं बहनें अपने पति की दीर्घायु और लंबे स्वास्थ्य के लिए ये निर्जला व्रत रखती चली आ रही है पूर्व काल से, जो आज भी माना जाएगा। इस वर्ष 2024 में 20 अक्टूबर दिन रविवार को ही यह व्रत माना जाएगा। तो यानी कि तारीख रहेगी 20 अक्टूबर। अच्छा पंडित जी, जैसे अगर भारतीय संस्कृति की अभी आपने बात की, भारतीय संस्कृति में करवा चौथ व्रत का क्या महत्व है? तो भारतीय ज्योतिष में या भारतीय शास्त्र में, हिंदू सनातनी शास्त्र में करवा चौथ का मेन जो मोटिव है वो अपने पति की सुरक्षा, पति के दीर्घ जीवन के लिए, उसको निरोगी रखने के लिए, उसकी उन्नति के लिए माताएं बहनें पूरे वर्ष में एक ऐसा दिन निश्चित किया गया है भगवान की तरफ से, जिसे करवा चौथ की उपाधि दी गई है। ये कार्तिक चतुर्थी के दिन पड़ता है, कार्तिक मास में। इस दिन माताएं बहनें निर्जला व्रत रखी भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी की और चंद्रमा की पूजा करती हैं। पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के पश्चात रात को चंद्रमा जब निकले आता है, उसको अर्घ देने के बाद में पति के द्वारा ही वह व्रत तोड़ा जाता है, जिसमें पति अपनी पत्नी को जल अर्पण कराता है और कुछ मिष्ठान भी खिलाता है, जिसके बाद में ये व्रत पूर्ण होता है। अच्छा पंडित जी, जब अगर बात आई है कि निर्जला व्रत वालों की बात कही है आपने, जब भी कुछ मामलों में सुना जाता है कि जब उसकी शादी होती है लड़की की, तो जब उसकी पहली करवा चौथ होती है, तो कि कभी वो पहली करवा चौथ होती है वो चाय से लगी या लौंग से लगी या कैसे लगी, तो क्या ऐसा भी होता है विधान के आप चाय चाय पी सकें या दूध पी सकें सही देखो, वास्तविकता में तो निर्जला? मैंने ऐसा आज तक नहीं सुना है, परंतु अगर उनके पति या उनके परिवारिक जन इस बात से सम्मिलित हैं या इच्छित हैं कि नहीं साहब, पति उन्हें चाय बना के दे सकता है, या घर में कोई रोग दोष या परेशानी है जिसमें डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आप लोग भूखे नहीं रह सकती है, या आज के उनके जमाने में आपने देखा होगा हिंदुस्तान में शुगर का रोग या बीपी का रोग बहुत तेजी से बढ़ता हुआ चल रहा है, जिसमें माताओं बहनों को दवाएं भी लेनी पड़ती है, जिसके परिप्रेक्ष्य में उन्हें थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना या चाय मिष्ठान इत्यादि निकास करना जरूरी है, तो उसमें उनके पति को छूट है कि वो बना के अपनी पत्नी को दे सकता है, जिससे उन्हें रोग से मुक्ति। अच्छा पत्नी, जैसे कि अभी दवाओं की बात आई, वैसे तो इस इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं था कि जैसे कि अगर किसी महिला की दवाएं चल रही है और उसको रोज लेना बहुत जरूरी है, सुबह दोपहर शाम जो भी रोज, तो अगर करवा चौथ का व्रत है और दवाई भी चल रही है और लेना भी जरूरी है, तो कैसे करूँ? देखो, इसमें एक और प्रावधान है, अगर माताएं बहनें इस योग्य नहीं है स्वास्थ्य की दृष्टि से कि वह व्रत रख पाए, तो कुछ आकलनों में मैंने देखा है कि कुछ पतिव्रता पति भी ऐसी होती हैं जो अपनी पत्नी के नाम से उस दिन व्रत रखती हैं, और मेरे जानकारी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के दीर्घ जीवन के लिए, क्योंकि वो रोगी थी या उन्हें कोई परेशानी हारी बीमारी थी, तो पति ने भी पत्नी के लिए व्रत रखा। ये हिंदू शास्त्र का एक गीता जाता है में कि कुछ पति भी ऐसे हैं जिन्हें अपनी पत्नी से इतना मोह होता है कि वह लोग भी उनके लिए व्रत रखते हैं। तो जो हिंदू शास्त्र में लंबे समय से चली आ रही है, अन्यथा माता बहन तो आपने देखा होगा हर घर में रहती है, और ज्यादातर हिंदू सनातनी शास्त्र में, चाहे मेरी नजर में मुसलमानों को छोड़ के बाकी जाति में ये चीज होती है। अच्छा पंडित जी, एक शब्द उपयोग होता है सरगी देना,
क्योंकि जो नई पीढ़ी आ रही है वो इस बात से ज्यादा जानकार नहीं होती है, तो सर्गी देने देखो सर्गी का जो पहला प्रचलन है वो पंजाबी सिंधी और इन समाजों से शुरू हुआ है। अब क्योंकि टीवी मीडिया का जमाना है तो देख देख के सब चीजों में बढ़ती चली जा रही है। सर्गी का सीधा सीधा महत्व होता है जो सास होती है, यानी कि बच्ची की जो सास है वह अपने बहू के लिए कुछ सामान भेजती है जिसमें खाने पीने का भी सामान होता है, श्रृंगार का भी सामान है, जिसमें जो नया जोड़ा पहनाना है उसे उस दिन वह भी भेजा जाता है। तो सूर्योदय से पूर्व यानी सूर्य निकलने से पहले माताएं बहनें सुबह स्नान इत्यादि के पश्चात उसे खा लेती हैं, जिससे उनका एनर्जी लेवल कम ना हो, उन्हें भूख ना लगे या उन्हें चक्कर वगैरह ना आए, जिसके पश्चात वो फिर पूरे दिन व्रत रखती हैं। ये सर्गी का महत्व है और आज के टीवी मीडिया के युग में ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें श्रृंगार का सामान होता है, मेहंदी होती है, महावर होता है, साड़ी होती है, बिछुए होती हैं, क्योंकि तुमने देखा होगा माता मैंने इस दिन नई बिछुए जी, तो ये सास के द्वारा अपनी बहू को दिया हुआ एक गिफ्ट है जिसे सर्गी की उपाधि दी गई है। अच्छा पंडित जी, एक गिफ्ट की बात है अभी आपने की है, तो एक और नया प्रचलन देखने को मिलता है कि पति जो है अपनी पत्नी को करवा चौथ वाले दिन कोई भी जो सामग्री गिफ्ट के रूप में देते हैं, तो ऐसा क्या कोई देखो गाना विधि विधान है? देखो पुराने जन्म से एक दूसरे को मान सम्मान देना ही बहुत बड़ा है, पहली बात तो मैं आपको बताऊं। परंतु आजकल के जो पैसे और उसकी जो मांग बढ़ गई है, उसके तहत बड़े बड़े लोग तो अपनी पत्नी को कुछ तो दे सकती है महंगा महंगा, मगर इसके परिपेक्ष में मेरे देखने में एक और चीज आई है कि सामान्य व्यक्ति की जो पत्नियां हैं वो भी इसी चीज की होड़ करती हैं कि आप मुझे गिफ्ट दें। अब किसी सामान्य व्यक्ति के पास में अगर कोई साधन नहीं है या वो नहीं दे सकता है तो उसके यहाँ तो घटना हो सकती है, कभी भी कोई पता लगा कि माता पिता या पति पत्नी में ही लड़ाई होगी इस बात को लेकर कि साहब उन्होंने तो मेरी बहन ने तो फलानी चीज दी है कि मेरी बहनों ने तो फलानी चीज दी है, आप नहीं दे पा रहे हैं, तो ये लड़ाई का भी कारण बन सकता है। अन्यथा गिफ्ट स्वरूप अगर वो से गुलाब का फूल दे दे या मिष्ठान का कोई चीज, मिष्ठान खिलवा दे या रसगुल्ला है, रबड़ी है, कोई चीज ले आए, अपने मान सम्मान अपनी स्वेच्छा अनुसार, अच्छा तो वही जब बहुत है। अब आप इसमें हीरे की अंगूठी या सोने का सेट या कंगन या चूड़ी को लगा के देखते हैं तो वो तो हरा व्यारती तो नहीं कर सकता है उसे, इसलिए इसको महत्व नहीं दिया जा सकता। पंडित जी, अगर बात आती है तो जो करवा चौथ का व्रत का जो सामग्री है, तो मतलब पूजा पाठ करने जाते हैं, तो व्रत की सामग्री तो व्रत की सामग्री में पहले नंबर पर आता है सुहाग का सारा सामान। सुहाग के सामान में आता है मेहंदी, चूड़ी, बिछिए, श्रृंगार के समस्त सामान, इसमें अठावरी बनती है, हलुए पूड़ी की 8 पीढ़ियां, हलुआ, दूसरा मट्टी रखी जाती है जिससे पार्वती, गणेश जी, भोलेनाथ, कार्तिकेय और चंद्रमा, ये सब चीजें बनाई जाती है जी। उसके अलावा एक पट्टे की व्यवस्था करी जाती है, चौकी पट्टे की, जिस पर उन्हें बैठा के पूजा करी जाएगी। ये सबरे सामान उसमें रहती हैं जिसमें मिष्ठान इत्यादि सभी चीजें शामिल है जो पूजा के काम में आएंगे। करवा चौथ पर अगर देखी जाए तो इस देवी देवता की पूजा करते देखो करवा चौथ का पहला जो विधान है माता पार्वती, भोलेनाथ, भगवान गणेश, कार्तिकेय, मुख्य रूप से इनकी पूजा होती है। इसमें भगवान चंद्रमा को साक्षी माना जाता है जिसको अर्घ देते हैं। रात्रि व्रत के पश्चात अर्घ देने के बाद में पति अपनी पत्नी को जल के द्वारा उसका व्रत चलवाता है, जिसमें छोटा मोटा कोई भी मिष्ठान, जिसमें हलुआ हो सकता है, रबड़ी हो सकती है, गुलाब जामुन, कुछ भी चीज इत्यादि हो सकती है जो उसके द्वारा उस व्रत का। अच्छा पंडित जी, जैसे कि कोई त्योहार होता है तो एक भद्रा शब्द आता है, क्या इस बार भी क्या करवा चौथ पर उसका सहायक है? देखो मैं आपको बता दूं, टीवी मीडिया यूट्यूब पे इतना हल्ला इसका मचाया जा रहा है कि करवा चौथ पर भद्रा का साया, ये एक तरह से मैंने हेडिंग भी बना हुआ लोगों के यहाँ देखा है। वास्तविकता में बता दूं 20 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 6:20 से लेकर 6:41 के बीच में केवल भद्रा का साया रहेगा, जो केवल 20 मिनट के लिए है। इसका व्रत रखने वाली महिलाओं से या त्योहार से या किसी चीज से कोई महत्व नहीं है, ये खाना खा का एक हल्ला है जिसे लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। वास्तविकता में भद्रा का कोई महत्व नहीं है त्योहार पर। तो आप इस दिन भद्रा को जो भ्रम फैलाया जा रहा है उससे दूर रहे, भद्रा का साया जो है उस दिन कुछ ही मिनटों का है, 20 मिनटों की बात करें तो उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा पंडित जी, जो पूजा के लिए जो शुभ समय यानी कि जब पूजा की जाती है करवा चौथ की, तो
वो शुभ समय है। करवा चौथ की जो पूजा है आपने देखा होगा, माताएं बहने संध्या के समय जब सूर्यास्त हो जाता है, जी यानी कि 5:30 बजे से लेके 8 बजे के बीच का जो समय है वह माताएं बहने पूजा का समय माना जाता है, जिसमें घर की बुजुर्ग महिला या सम्मानित स्त्री, जिसे हम ये कहते हैं कि साहब ये वो करवा चौथ की कथा होती है, वह बहुओं को सुनाती हैं, जिसमें जो व्रत रखने वाली महिलाएं या पत्नियां होती हैं लोगों के घरों की, वह उस कथा को सुनती हैं, जिसके पश्चात वह सारा सामान लेके जहाँ चंद्रमा निकलता है उसे अर्घ देने के लिए जाती हैं। अर्घ देने का जो समय है इस बार चंद्रोदय का समय है 20 अक्टूबर दिन रविवार, अलीगढ़ के हिसाब से 8 बजे रात को चंद्रमा निकलेगा, जिसमें 8 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में माताएं बहने चंद्रमा को अर्घ देकर इस व्रत का पारण कर सकती हैं, जिसमें चंद्रमा को जल चढ़ाने के पश्चात पति अपनी पत्नी को जल पिला के और कुछ मिष्ठान इत्यादि खिला के उस व्रत का पारण करा सकता है। अच्छा पंडित जी, एक जैसा कि कई बार टीवी चैनल्स में दिखाया जाता है कि जो कुमारी कन्याएं होती हैं तो वो भी व्रत रखती हैं, क्या ये ज्योतिष के अनुसार या विधि विधान के अनुसार, या क्या सही है कि शादी से पहले व्रत को रखना? देखो, भारतीय शास्त्र के अनुसार कुंवारी कन्या को करवा चौथ का व्रत रखने का कोई विधान नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं करवा चौथ का जो व्रत है वो पति पत्नी के लिए व्रत रखा जाता है, यानी पत्नी अपने पति के दीर्घ जीवन, उन्नति, लाभ और स्वास्थ्य रक्षा हेतु इस व्रत को करती है, जिसमें माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ, गणेश जी, कार्तिकेय और चंद्रमा को साक्षी माना जाता है। अगर कोई स्त्री या कुंवारी कन्या इस व्रत को जबरदस्ती रखना चाहती है तो भारतवर्ष में कानून ऐसे हैं जिसमें आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, अन्यथा शास्त्रों उस व्रत को वो नहीं रख सकती, क्योंकि जब तक कोई पिता अपनी कन्या का कन्यादान ना कर दे और शादी विवाह हो कि वह दूसरे घर ना चली जाए और वह उसकी भार्या यानी कि पत्नी ना कहलाई जाए, तब तक वो इस व्रत को नहीं रख सकती है, क्योंकि ये कुंवारी कन्याओं के लिए नहीं है, ये सुहागन स्त्रियों का व्रत है, जैसे निर्जला व्रत रख के अपनी पति की उन्नति के लिए माताएं इन्हें रखती हैं। दर्शकों, तो आपने इस वीडियो के माध्यम से जो करवा चौथ के कई विधि विधान है उसकी जानकारी ले ली होगी, कई जो भ्रांतियां चल रही हैं इस समय करवा चौथ को लेकर के वो भी आपकी का भी सॉल्यूशन हो चुका होगा। तो देखते रहिए आप अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन चौधरी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।